बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे ख़त दीवानी में लाम अलिफ ला और छोटी ए। तो लाम अलिफ ला लिखने के लिए हमने नीचे वाली चार लाइनों के अंदर लिखना है और इसकी लंबाई ज़्यादा ऊंची नहीं है। इसको हमने तकरीबन आधा नुक्ता टेढ़ा करके शुरू करना है। यहाँ से हमने फिर इसको गुलाई करनी ला के, या फिर हमने यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे सीधा, लाम अलिफ ला जी तकरीबन दो नुक्ते या ढाई नुक्ते आगे होते हैं। लाम अलिफ ला और इसके अंदर तकरीबन एक नुक्ते का, यहाँ से एक नुक्ते का गैप होगा। ये यहाँ से आप मयर कर लें, यहाँ से ये हाफ नुक्ता इधर और हाफ ही नुक्ता इसको यूँ कर लेते, ये इधर इसका गैप होगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह आपने छोटी यह लिखनी है, वो तकरीबन इस लाइन से डेढ़ नुक्ता ऊपर से शुरू होगी, यहाँ से या एक नुक्ता का लें, यहाँ ला के आपने यहाँ लें, ये तकरीबन इसके बीच में 1.5 नुक्ते का गैप, फिर यहाँ से ये यहाँ नीचे सीधी जाएगी, ऐसे नुक्ते का गैप छोड़ना है, ऐसे यहाँ से सीधी ऊपर जानी, फिर ऐसे भी कर दें तब भी चलेगा। ये दीवाना से इसका पान है, इसका ये दीवाना पान, क्योंकि ख़त दीवानी में सारे दीवाने ही पान है। ये तकरीबन दो नुक्ते गैप है इसके बीच में, बाकी यहाँ से 1.5 नुक्ता नीचे, ये इसको आप चाहें तो यहाँ सीधा भी छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ से आपने शुरू ऐसे ही करना है, ऐसे जाएगी और दो नुक्ते के गैप से ऐसे ये भी चल सकता है, ये भी यही चलती है, इसके भी सेम गैप है, दो नुक्ते अंदर से ऐसे, यहाँ से भी 1.5 नुक्ता, ये आप ट्राई करते रहें। फिर इस लाइन से ये हाइट भी आप मेयर कर सकते हैं, ये जो लाइन आ रही है ये भी 1.5 नुक्ता है, और बाकी इसके अंदर जो गैप है वो तकरीबन 1.25 नुक्ता है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे ये थोड़ा सा एक नुक्ता ऊपर जाएगी, तो आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ओके जी, ये हमारी ख़त दीवानी की तख्ती और मश्क आज ख़त्म होती है, तो इसके बाद हम ख़त नस्तालीक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।